पूछताछ करने के बाद वो आज तक अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। हम लोग से पूछा भी क्या, मैंने हमारे समाज के आदमी से पूछे हैं तो बताया कि भाई बालू में देख लीजिए पांच वो कैसे बन गया, सेलेगाड़ा में कैसे बन गया, गणेशपुर में कैसे बन गया, इस तरह से बताया गया। तो ये इस तरह से हम लोग का आदमी को तोड़ा जा रहा है कि नहीं, हमारा चीज को लूटा जा रहा है। चलेगा गाँव में कहीं वो है तो कहीं कर दिया, लेकिन चर्चर बचपच किया गलत है कि नहीं है, तो इसको हम लोग आंदोलन करने का आंदोलन किया जाए। तो मेरा एक अपना सोच था कि अभी इसी तरह से जमा हो रहे हुए हैं, अगर हम लोग अगर प्लान बने तो हम लोग एक डेट निर्धारित किया जाए और हगल बगल से प्रचार प्रसार करके इतने में घूम करके हम लोग खड़े होकर क्या किया जा सकता है, मैंने सबको के राय में, मैंने ये बालू बात में धड़ले से जाने चल रहा, इन्हें अगल बगल तो कहीं मैंने छोटा मोटा टूटी टूटी है कहीं बना भी दिया है, चाहे कहीं बनाया बन गया, लेकिन कहीं जो है ना कहीं आपको दूसरा बार में पास हो रहा है, मैंने बना भी नहीं है दूसरा बार पास कर रहा है, दूसरा में खतियान ही नहीं है, स्मशान मेरा खतियान चलो वहां बन रहा, लेकिन खतियान कैसे बना रहे और धोलपुरिया में बनाना है अगर मंजरवा जमीन में और बाबू साहब अगर जमीन बना लेगा अपन जमीन में तो कहियो मेरा चीज को छीन लेगा कि नहीं छीनेगा, मेरा छुड़ाएगा कि छुड़ाएगा, इसको हम लोग करने की जरूरत है कि नहीं। तो हम इसलिए चाह रहे थे अगर सबका सहमति बने एक डेट निर्धारित किया जाए और डेट के बाद में एक आंदोलन हम लोग करेंगे, एक आंदोलन के साथ साथ आंदोलन करने के बाद मेरा आदिवासी जग भी जाएगा विश्व आदिवासी मनाने के लिए, और कोई संगठित चाहते हो सकता है विश्व आदिवासी दिवस के पहले का तो ताकि मेरा आदिवासी बहुत कुछ सुनेगा और जान जाएगा कि आदिवासी दिवस हमको 9 अगस्त को मनाना है, इसके लिए लोग तैयारी करें, सबको विचार जैसा बने क्या होना चाहिए होना चाहिए ना, इसको डेट तो अगर निर्धारित करिएगा तो वैसे क्या नाना साहब से हम लोग यहाँ है 40 बरस समाज का सेवा कर रहे हैं, हम कृतज्ञ करके खड़े हो जाते हैं, जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं जितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी का तो जो वहाँ पे जा रहे हैं, जितने भी फॉरवर्ड प्रत्येक घर में दो तीन को आदमी अपना नौकरी कर रहा है फॉरवर्ड को, हमारा आदिवासी लोग स्कूल में भी भेजा जा रहा है तो सरकारी स्कूल मानता नहीं है, स्थिति इतना गंभीर है कि हम लोग समाज में नहीं, जितने पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा ऊंचा हो गए तुम ऊंचे ही चले गए, जो नीचे हैं उनको ऊपर लेने की जरूरत नहीं, जहाँ समाज में जमीन का भी कताई लूट एकदम हमारे रेलवे सेक्टर की जमीन में लगभग 25 एकड़ जमीन है, उसमें ये अंचल पता दे क्या दे रहा है अगला ही महीने में टोटल जमीन को रसीद काट करके कर दिया, एक दिन पूछा कि हम कुछ जगह पर थोड़ा रेलवे का कुछ भरा लगा रहे थे तो हम बोले कि हम यहाँ पर जमीन नहीं लेंगे, तो वहाँ जाकर ऑनलाइन देखते तो करीब 15-20 फुट टोटल रसीद काटा हुआ, उसके बाद हम आवेदन दिए एसी को अंचल पदाधिकारी को जाँच पड़ताल करने के लिए भर गया वहाँ से ट्रांसफर होकर के, अभी वहाँ लोग अंचल प्रशासन से मिलकर वह जमीन को कब्जा करने की तैयारी कर, मेरे साथियों और मेरे छोटे भाई मेरे चीज को खाना चाहते हैं, हम लोग आप लोग से हाँ जो खाना चाहते हैं कि हमको पढ़ा से जरूरी है, हम इस तरह से देंगे आपका जमीन नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मेरा चर्चा तो केस है जहाँ मैं लिखा हुआ था छुपे से केस कर देता ये पुलिस वाला, यहाँ पर देखिए तो वहीं भी हमारा वहाँ जो ट्यूबवेल वाला यहाँ तना भगत उनको पिटेगा, कोई तना भगत का गलती नहीं था, चैलेंज कर सकता हूँ ये लोग जमीन वहाँ एक आदमी उद्घाटन करने के लिए घोरे घोरे में उठा तो उन लोग क्या वहाँ फिर उद्घाटन करने के लिए बाहरी गुंडे लोग तो ये लोग पहुंच गए खाली ना, बस इन लोग को टेढ़ा पैर कौन पैर क्या करता हॉकी बैग से 15-20 साल में उसको पीट दिया, इन्होंने आवेदन बना करके डीसी के पास, डीसी बोलने की है कोर्ट कचहरी की बात है, ये लोग का गलती तो था ही बहादुर का 4-5 गलती था, ये लोग का क्या डायरेक्ट हंगामा कर दिया वहाँ कोर्ट ने, सब लोग से 280 आदमियों का केस हो गया, क्या गलती थी उन लोग, गलती इतनी थी कि लोग हंगामा किया, बाकी तो वहाँ टोटल लोग वहाँ कंपनी वाला जब लोग भाग गया तो कंपनी ने टोटल जमीन आबादी देख ली, टोटल जमीन कब्जा कर लिया, स्थिति यह है कि आज तुबेद का ही बात नहीं है पूरे हमारे क्षेत्र बालवा क्षेत्र में टोटल जमीन को रेलवे विभाग ने जाकर तहस नहस कर दिया, वहाँ आपका हिंडल को कंपनी ले लिया, आपको ये क्या कहते हैं चकला एरिया में बहुत जगह पर जमीन तहस नहस हो रहा, हम लगता है कि अब हम लोग कहने के लिए जाएंगे तो खराब होने वाला तैयार नहीं है, केवल पेट पोस रहा केवल सब कुछ कर रहा है, तो मेरे साथियों अभी जो पहाड़ जमीन की चर्चा है हजार कर पूरे जिला में ये लोग जो भुक्ता समाज के लोग हैं वो पहले हरिजन के नाम से थे वो जमीन पहले बेचे अभी भी बेच करके वो लोग बेलगाम भूमि को ये सरकार अंधा बन के ये अंचल अंधा बन करके लगान बांध दे रहा है,
जबकि खतिया में है कि बेलगाम भूमि, एक एक प्लॉट पर लिखा हुआ है कि बेलगाम भूमि है, ये लोग अंधा नहीं है और आप लोगों को कोई जाने नहीं है। हम लोग जब बुढ़ा गए 80-85 बरस के 50-60 बरस के बाद में जाना भी है, इसके लिए आप लोग जाना ही है। उसको मार के कोकड़ा छोड़ा देना है, अंदर ताला लगा देना है, भगा देना है। जब ये आंदोलन नहीं चलेगी तब तक नहीं होने वाला। आप राधे हम एक छोटी सी बात को कहना चाहेंगे, देखिए मान लिया आप सबको मिल करके यहाँ जितने भी नेतृत्व है अब यहाँ हमारे मंत्री बन चुके बजनाथ, बजनाथ राम मंत्री खाना कर देखिए अंतिम बैठे हुए थे अंदर में, ये तो नहीं थे हम अकेले गए, उसे कहा विद्यार्थी उसे मान बोले विद्यार्थी एक आपसे निवेदन है, ये रीज सर्वे में जितना भी गलती हुआ, रिविजन सर्वे में जितना भी गलती हुआ उसको रीज सर्वे करा कर ठीक कर दिया जाए। एक भी जमीन 75% गलत सर, खतियान में 25% ठीक है। मैं सर्वेयर नहीं हूँ, उस सर्वे में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ टोटल आदिवासियों को जमीन कोर्ट कचेरी द्वारा लुटाया जा रहा। कितने दुख की बात है हमको कि बताइए कि हमारा आदिवासी समाज का एक तो धार्मिक जमीन एक में हजार एकड़ कब्जा कर रहा है, एक तरफ रिविजन सर्वे के द्वारा टोटल गलती होकर के रिज सर्वे के लिए निवेदन किया जा रहा है, कुछ नहीं सुना है। बताइए कि हम आपको बैठे थे सभी लोगों को, जिन लोगों को हम अगर हमसे वोट मांगने के लिए आएगा, हमारा दिन तड़प रहा है और वो वोट मांगने तैयार आएगा, क्या वोट देंगे? बोल देते हैं हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वोट हम किसी की कीमत नहीं। हम बोलते हैं जाकर बोल दीजिए कि अगर दोबारा से अगर रिज सर्वे नहीं हुआ तो बदनाथ हमको वोट नहीं देंगे। विधानसभा में होकर लातेहार जिला में टोटल जमीन का गड़बड़ है, उसे जल्दी सर्वे करा करके महीना दिला करके उसका टोटल जमीन को ठीक कर दे, तो एक महीना के बाद में हमको चाहे इस्तीफा मंजूर है, लेकिन हमारा समाज का लोग कोर्ट कचहरी वाला पैसा नहीं दे। बताइए 6-5 बरस से उसका पैसा झूठों के ले रहा है, लाइए पैसा, बकरी बेचवा रहा है, मुर्गी बेचवा रहा है, ये लोग लूट रहा है, ये लोग